पंजाब लोकसभा इलेक्शंस की वोटिंग 1 जून को होने वाली है और पंजाब में 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 328 कैंडिडेट्स कंटेस्ट करने वाले हैं। पर क्या आपको आपके कैंडिडेट के बारे में वो सारी चीजें पता है जो कि एक वोटर को पता होनी चाहिए? आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब में टोटल कितने कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं, इनमें फीमेल कैंडिडेट्स कितनी है, पंजाब का सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट कौन सा है और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कैंडिडेट कौन है। पंजाब की 13 लोकसभा सीट्स में 328 कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं जिसमें 26 वुमेन कैंडिडेट हैं। इसमें लुधियाना विद 43 कैंडिडेट्स एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं और इसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। वहीं गुरदासपुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर 26 कैंडिडेट्स कंटेस्ट करने वाले हैं जिसमें 3 फीमेल कैंडिडेट रहेंगे। अमृतसर में वहीं 30 कैंडिडेट्स रहने वाले हैं जिसमें 26 मेन एंड 4 फीमेल कैंडिडेट्स रहेंगे। खडूर साहिब में विद ऑल मेन 27 कैंडिडेट्स कंटेस्ट करने वाले हैं। फतेहगढ़ साहिब में 14 कैंडिडेट्स विद 1 फीमेल कैंडिडेट। फरीदकोट में 28 टोटल कैंडिडेट्स विद 26 मेन एंड 2 फीमेल कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं। जलंधर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे टोटल 20 कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं जिसमें 3 फीमेल कैंडिडेट्स इंक्लूडेड हैं। होशियारपुर से टोटल 16 कैंडिडेट्स कंटेस्ट करने वाले हैं जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स रहेंगी। और अनंतपुर साहिब से 28 कैंडिडेट्स विद 2 फीमेल कैंडिडेट। फिरोजपुर में टोटल 29 कैंडिडेट्स विद ऑल मेन एंड बठिंडा में 18 कैंडिडेट्स हैं जिसमें 3 फीमेल कैंडिडेट इंक्लूडेड हैं। संगरूर में 23 टोटल कैंडिडेट्स हैं जिसमें 1 वुमेन है, वेयर एज पटियाला में 26 कैंडिडेट्स होंगे जिसमें 23 मेन एंड 3 वुमेन इंक्लूडेड रहेंगे। किसी भी कैंडिडेट पर कितना क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और पंजाब की 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ एक होशियारपुर ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर सभी कैंडिडेट्स में से एक भी सिंगल कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिस पे कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो। उसके अलावा बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर किसी न किसी पार्टी के किसी न किसी लीडर पर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है। एज पर एनालिसिस आम आदमी पार्टी के 6 कैंडिडेट, बीजेपी के 3 कैंडिडेट्स, बीएसपी के 4 कैंडिडेट्स, श्रोमणी अकाली दल के 6 कैंडिडेट्स एंड कांग्रेस के 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन पर कोई ना कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है। वहीं अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बात की जाए तो फिरोजपुर में 9 कैंडिडेट्स हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस रजिस्टर्ड है और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिमिनल केसेस वाले कंटेस्टेंट की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है लुधियाना विद 8 कैंडिडेट्स हु हैव क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। इस लिस्ट में गुरमीत मीथेयर और पवन कुमार टीमू जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स के नाम भी शामिल हैं। अब अगर बात करें वो इन पॉलिटिशियंस के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो पॉलिटिशियन का एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलवेज डिस्कशन का मैटर रहा है। एजुकेशन पॉलिटिशियन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हमेशा डिस्कशन का मैटर रहा है। वो लोग जो आगे जाकर आपकी वॉइस बनने वाले हैं वो कितना पढ़े हैं ये क्वेश्चन करना ठीक है या गलत और कैसा हो अगर आपको ये पता चले कि आपका कैंडिडेट सिर्फ 7th पास है। आपको सुनकर हैरानी होगी बट पंजाब में एक ऐसा कैंडिडेट भी है जो सिर्फ 7th पास है। ये कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी से लुधियाना कॉन्स्टिट्यूएंसी से अशोक पराशर जो कि सिर्फ और सिर्फ 7th पास हैं। अगर बात की जाए पार्टी वाइज कैंडिडेट्स की तो आम आदमी पार्टी के साथ 7 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सिर्फ 7th, 8th, 10th और 12th पास है। वहीं 6 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या फिर हायर स्टडीज कंप्लीट की हुई हैं। श्रोमणी अकाली दल के ऐसे 2 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी 12th ग्रेड तक की स्टडी कंप्लीट की है। उसके अलावा बाकी सभी कैंडिडेट्स ने अपनी ग्रेजुएशन या फिर हायर स्टडीज कंप्लीट की हुई है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के 5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग डन की है, वेयर एज 7 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी हायर एजुकेशन या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस के पास 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, वेयर एज 9 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या फिर हायर स्टडीज कंप्लीट की है। कांग्रेस के पास 2 पीएचडी होल्डर्स और 2 एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं। अगर बात की जाए हाईएस्ट और लोएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो पंजाब में एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिर्फ 7th तक पढ़ाई की है, वेयर एज पंजाब में 6 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं जिनके पास MBBS और PhD की डिग्रीज है। नॉमिनेशन फाइल करते टाइम सभी कैंडिडेट्स अपने एफिडेविट सबमिट करते हैं। इन एफिडेविट्स में उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है ये भी मेंशन किया जाता है और इसी के बेसिस पर पंजाब के 3 रिचेस्ट कैंडिडेट्स हैं। नंबर 1 हरसिमरत कौर बादल विद नेटवर्थ ऑफ मोर देन 51 करोड़ रुपीज। हरसिमरत कौर बादल बठिंडा से श्रोमणी अकाली दल से लड़ रही हैं। वहीं नंबर 2 पर आते हैं तरनजीत सिंह संधू जो कि बीजेपी से हैं और अमृतसर से ये इलेक्शंस लड़ रहे हैं। उनकी टोटल नेटवर्थ
32 करोड़ से भी ऊपर की है। वहीं थर्ड नंबर पर आते हैं एनके शर्मा, जो कि श्रोमणी अकाली दल के मेंबर हैं और वो पटियाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं और उनकी टोटल नेटवर्थ 30 करोड़ से भी ज्यादा की है। 1 जून को पंजाब में वोटिंग होने जा रही है, इसलिए इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो हु योर कैंडिडेट इज।